अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं सभी को पसंद आने वाली चटपटी सी मजेदार शेजवान चटनी। जी हाँ, तकरीबन तमाम स्टार्टर के साथ इसे सर्व किया जा सकता है और उसके साथ साथ जितनी भी चाइनीज रेसिपीज होती है उन सब में इनका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए झटपट से तैयार करते हैं शेजवान चटनी। इस चटनी को बनाकर आप आसानी से 3 से 4 महीने इसे सेव करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। तो चलिए झटपट से बनाते हैं शेजवान चटनी। तो यहाँ पर देखिए शेजवान चटनी बनानी है हमें। तो शेजवान चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मिर्ची ली। मैंने 2 तरह की मिर्ची ली हूँ, ये बेड़ी की मिर्ची है, हाँ ये देखिए, और उसके साथ ही मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च भी डाली हूँ। हाँ, तो ये 2 तरह की मिर्ची जब इसमें डालते हैं तो शेजवान चटनी बड़ी अच्छी सी चटपटी सी बनती है। लेकिन अगर आप इसे कम स्पाइसी चाहते हैं तो आप सिर्फ कश्मीरी मिर्ची ले लें इस तरह की। लेकिन मैं इसे चटपटी चटनी बना रही हूँ तो मैंने कश्मीरी मिर्चों के साथ में बेड़ी की मिर्ची भी ली हूँ। थोड़ा सा गर्म पानी, ये देखिए मैंने इसमें गर्म पानी अच्छे से डाल दिया। अब इन मिर्चों को अच्छे से हम सोक करके रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। और उसके बाद तो ये देखिए मिर्चें बिल्कुल अच्छे से भीग कर फूल गई हैं। तो आप क्या करेंगे, अब मिक्सी का जार लेंगे और इन मिर्चों को बिल्कुल अच्छे से हम पीस लेंगे। जरूरत रहेगी तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो चलिए इन्हें पीस लेते। तो ये मिर्चें पिसकर रेडी हैं। तो शेजवान चटनी बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने तेल गर्म करी हूँ और तेल की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो तेल एक तरह का प्रिजर्वेटिव भी होता है। अब तेल के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे लहसुन। तो लहसुन को बिल्कुल बारीक मैंने चॉप की हूँ। ये लहसुन हमारा 1 कप है, तकरीबन 200 ग्राम लहसुन है। इसके साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 कप अदरक। लहसुन का 1/2 हम इसमें अदरक डालेंगे। बहुत ही अच्छे से इन दोनों चीजों को हम सौते कर लेंगे। लहसुन को यहाँ पर हमें गोल्डन बिल्कुल नहीं करना है, बस इसका अच्छा सा अरोमा आने लगे इतना फ्राई करेंगे इसे, इतना हम सौते करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी सी गार्लिक की खुशबू आनी शुरू हो गई है और ये हल्का सा, ये देखिए हल्का सा भूरा होना शुरू हो गया। बस इसे इतना ही करना है, इससे ज्यादा इसे हम नहीं करेंगे। अब इसके अंदर यहाँ पर मैं मिला रही हूँ हरी मिर्ची, क्योंकि हम बना रहे शेजवान चटनी तो भाई चटनी तो चटपटी अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे ली 1 कप लहसुन यानी गार्लिक, 1/2 कप जिंजर यानी कि अदरक, और साथ में मैं ले रही हूँ 1/4 कप हरी मिर्च ग्रीन चिली ले लिया मैंने। इससे चटनी हमारी बड़ी अच्छे से चटपटी से बनेगी। इसे भी डाल के बिल्कुल अच्छे से सौते करेंगे। ये देखिए, अगर आप स्पाइसी नहीं खाना चाहते तो फिर आप मिर्चें ना डालें। तो ये देखिए हरी मिर्चें भी हमारे बिल्कुल अच्छे से सौते हो चुकी है, ऑयल ऊपर आ चुका है ये देखिए। तो अब इसके अंदर हम मिलाएंगे इसका जो पेस्ट बनाए, ये 2 कप मिलाएंगे। तो यहाँ पर मैं मिर्चें ले रही हूँ 100 ग्राम, 100 ग्राम मिर्चें हैं ये। 100 ग्राम मिर्चों को पीस कर हमने लिया है, ये रहा 2 कप। तो 100 ग्राम मिर्चें हैं ये, 100 ग्राम मिर्चें, और उसके अंदर मैंने डाली 200 ग्राम लहसुन, 100 ग्राम अदरक और 50 ग्राम हरी मिर्च। ये रेशियो है इसका। अब तेल छूटे तक इसे अच्छे से हमें भून लेना है। ये चटनी रखकर तकरीबन आप 6 महीने तक इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होती है। तो ये देखिए चटनी पे ऑयल आ चुका है। तो अब इसके अंदर हम कुछ सॉसेस मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं मिला रही हूँ 1 टेबल स्पून ये जो है हरे धनिया की डंडिया जो होती है ना, उसे बिल्कुल बारीक चॉप करके मैंने डाली हूँ। इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हर बात इसमें डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून शकर, ये टेस्ट को बैलेंस करती है शकर। 2 टेबल स्पून मिला रही हूँ इसके अंदर सोया सॉस, 1/4 कप यानी कि 4 टेबल स्पून मैंने डाली इसमें विनेगर, ये प्रिजर्वेटिव है, इससे चटनी हमारी जल्दी खराब नहीं होती है। और फिर इसके साथ मिलाएंगे इसके अंदर 1/2 कप टमाटो सॉस, 1 टीस्पून नमक डालेंगे क्योंकि तमाम सॉसेस में नमक होता है, अगर नमक लगा तो हम बाद में इसमें और डाल सकते हैं नमक। और इन तमाम चीजों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितनी बेहतरीन से हमारी शेजवान चटनी बनी है और कितनी सारी क्वांटिटी में। जब हम इसे घर में बनाते हैं तो बिल्कुल हाइजेनिक तरीके से ये होती है, और उसके साथ साथ हम इसमें जो है चाइनीज सॉल्ट यानी कि हम इसमें अजीनोमोटो का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे हमें दोबारा से हमें 3 से 4 मिनट और भून लेना है ताकि ऑयल जो है वो उसका सेपरेट हो जाए। ये देखिए
तो ये लीजिए, ये चटनी हमारी बनके तैयार है। देखिए तेल ऊपर आ चुका है, बस अब इसको फ्लेम को बंद करती हूँ। और ये देखिए काफी गाढ़ी हो गई है, देखिए ये देखिए काफी गाढ़ी हो गई है, और ये ठंडी होगी जो है और जो है गाढ़ी होगी। तो बस इतना काफी है। अगर आप इसको शेजवान सॉस बनाना चाहते हैं तो क्या करें, आप इसके अंदर एक गिलास पानी मिला दें और फिर उसके बाद एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को थोड़े से पानी में घोलकर उसकी स्लैरी बनाकर इसमें मिला दें, तो बस आपका शेजवान सॉस तैयार हो जाएगा। तो ये तैयार है हमारी शेजवान चटनी। ये देखिए कैसी बेहतरीन से बनी है। जो मार्केट में हम चटनी लाते हैं उससे कई गुना ये जो है अच्छी हमारे घर में झटपट से तैयार हो गई है। इस चटनी को आप 6 महीने साल भर रखकर फ्रिज में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज के बाहर भी ये तकरीबन 2 से 3 महीने बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। तो इसमें तेल की क्वांटिटी ज्यादा रखिएगा तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, और अगर फ्रिज में रखोगे तब तो ये साल भर आसानी से चलती है। देखा आपने कितना आसान था इसे बनाना। ये देखिए बड़ी मजे की हमारी शेजवान चटनी तैयार है। तो लीजिए ये तैयार है हमारी शेजवान चटनी। इस बात की मेरी इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ज्यादा सहूलतें हो जाएगी, काफी वक्त और पैसे दोनों की बचत होगी। और अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो आपको तो हमें फीडबैक करके आपका जरूर दीजिएगा, और इसके साथ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, लाइक करें। अपना और अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखें, साथ में हमें भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।